सीमा जी। सीमा जी आप यहाँ क्यों आई हो? हम अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने अधिकारों की मांग के लिए आए हैं। क्या हक है आपके, क्या हक लेना चाहती हो? हम लेना चाहते हैं कि एक बार इस महंगाई के दौर में बच्चों का पालन पोषण 4,000 रुपए में हमारा गुजारा नहीं होता, और हम सभी क्वालिफाइड हैं। कितने क्वालिफाइड हैं आप? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद में आप ये आंगनवाड़ी में काम कर रही हो, तो ऐसे क्या आपका एक मजबूरी आ गई कि आप आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं? मजबूरी है सर, किसी के परिवार में इतना अच्छा रोजगार नहीं है। हम इसलिए निकले कि कम से कम 10 साल बाद हमें सुपरवाइजर का वो हो जाए कि हमारे बच्चों का पालन पोषण ठीक से हो जाए। फिर भी हम ग्रेजुएशन होकर एमए करने के बाद फिर भी इसी में वहीं के वहीं रहे, सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही। क्या चाहती हो आप सरकार से? हम चाहते हैं कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और दर्जा भी नहीं दिया जा रहा तो कम से कम हमें 18,000 का मानदेय दिया जाना चाहिए। तो आप मानदेय नहीं देके वेतन दिया जाए। तो आप ऐसे क्या काम करती हो कि आपको सरकार राज्य कर्मचारी का दर्जा एक प्रेग्नेंट लेडी से लेके और 19 साल तक की, 18 साल तक की किशोरी की देखभाल भी करते हैं, और BLO और जो 0 से यानी कि 6 वर्ष तक के बच्चों की भी देखभाल करते हैं, और उनका ग्रेड टीकाकरण भी है, पोषाहार भी है, और BLO भी है, और भी अधिकतर जो भी कोई काम होता है वो सब आंगनवाड़ियों से ही कराया जाता है।